यह है दोस्तों दौरली RRTS का स्टेशन। साइडों से देख सकते हो ये आई गटर डाल दिए हैं। अब इस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा, पहले शटरिंग लगेगी फिर फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों। और मशीन देख सकते हो यहाँ पर क्रेन मशीन खड़ी हुई है, हैवी हैवी। ये देख सकते हो यही काम अभी यहाँ पर किया जा रहा है दौरली RRTS के स्टेशन पर। और दोनों एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं दोस्तों। कॉन्कोच लेवल भी अभी बनाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म लेवल को भी बनाने का काम किया जा रहा है। देखो पहले कॉन्कोच लेवल बनेगा फिर प्लेटफॉर्म लेवल बनेगा। तो चलते आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को, आगे चलते आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। देखो ये है सारा काम अभी कंप्लीट होना है दोस्तों। देखो ये सारे में दोनों साइड में आई गटर रख दिए गए हैं, इस पर सेटिंग लगाई जाएगी। सेटिंग लगा कर फिर इसको इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों, ये बन जाएंगे। तो इनका वॉकवे है जो ट्रेन में चढ़ेंगे उतरेंगे दोस्तों, इसीलिए ये बनाए जा रहे हैं। देखो तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आइयो पच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये है दौरली RRTS का स्टेशन जिस पे कि मेरठ मेट्रो रुका करेगी दोस्तों। और देखो लॉन्चर ये लगा हुआ है दौरली RRTS के स्टेशन पर, और दोनों साइड में आई गटर द्वारा लॉन्च कर दिए जा चुके हैं दोस्तों। क्योंकि ये फुटओवर है, क्योंकि जब ट्रेन से उतरेंगे चढ़ने के लिए तो ये फुटओवर बनाए गए हैं, तो इसी वजह से ये गाटर लॉन्चिंग की गई है दोस्तों। और इस पर अब फ्लोर वर्क किया जाएगा, तो यही काम चल रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते और आगे बढ़ते चल के आप लोगों को आगे दिखाएंगे चल के क्या मेरठ नॉर्थ RRTS का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा, और मोदीपुरम डिपो का भी आप लोगों को अपडेट देखने मिलेगा इस वीडियो में। तो बने रहो, बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में अपडेट लेकर आया हूं। और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि बायोडक्ट कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, कहां कहां लॉन्चर लगा हुआ है, क्या क्या काम किया जा रहा है। तो वही सब आप सभी को इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप बने रहो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोगों को बता दूं कि जहाँ जहाँ ये कर्व ले लेती है ना लेफ्ट में या राइट में, वहाँ वहाँ यहाँ पर डबल पिलर बनाए गए हैं दोस्तों। और देख सकते हो दूसरा लॉन्चर देखो यहाँ पर लगा हुआ है जो कि बायोडक्ट को कनेक्ट कर रहा है दोस्तों। बस ये एक ही पिलर बचा है कनेक्ट करने के लिए, जो कि यहाँ पर लॉन्चर लगाया गया अभी रिसेंटली में ही। और इस पर देखो ये जल्दी कनेक्ट कर दिया जाएगा, फिर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और उधर भी दौरली के स्टेशन पर भी वो भी कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। और आगे आप जाएंगे तो आगे मेरठ का बाईपास आ जाएगा दोस्तों, जो कि मुजफ्फरनगर होते हुए सीधे हरिद्वार के लिए निकल जाता है हाईवे। तो उसी हाईवे पर हम आगे आ जाएंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं चल के। देखो ये आ चुका है हाईवे दोस्तों, देखो ये फ्लाईओवर है और ये राइट हैंड से जा रही है, फिर आगे जाके लेफ्ट हो जाएगी दोस्तों ये RRTS की लाइन। तो यहाँ पर ये बनाया गया है क्या फ्लाईओवर दोस्तों, ताकि ये मेरठ के अंदर से जो लोग आए वो हाईवे पर कनेक्ट कर सकें दोस्तों। तो इसी वजह से हम बाहर से भी आ सकते थे, लेकिन हमें बायोडक्ट दिखाना था आप सभी को सारा पूरा वर्क मेरठ का, तो इसी वजह से हम अंदर से आए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, देखो एक स्टेशन आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरठ नॉर्थ का दोस्तों, फिर उसके बाद में मोदीपुरम का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद में फिर मोदीपुरम डिपो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो दिखाया था तब लॉन्चर यहाँ लगा हुआ था ब्लू कलर का, और इस पर कॉन्कोच लेवल को बनाया जा रहा था। और अब इस बार आया हूँ तो देख सकते हो अब ये प्लेटफॉर्म लेवल पर सारा वर्क चल रहा है दोस्तों, जो कि गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है, अब इस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा। तो यही काम चल रहा है दोस्तों। और देख सकते हो बायोडक्ट को कनेक्ट करते हुआ ये लॉन्चर जा रहा है। अब इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जाएंगे, इस पर साइडों से दोस्तों पैराफिट वाल भी, पैराफिट वाल के ऊपर दोस्तों रेलिंग को लगाया जाएगा। तो अभी काफ़ी सारा काम है, पहले तो ये बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये लॉन्चर दोस्तों। देख सकते हो लॉन्चर भी आप लोग देखो कितना भारी भरकम लॉन्चर होता है। जब मैंने आप लोगों को पिछली बार अपडेट दिया था दोस्तों, तब आप लोगों ने देखे थे कितने सारे लॉन्चर ही लॉन्चर आप लोगों को देखने के लिए मिले थे। और इस बार आया हूं दोस्तों तो आप लोगों को सारा बायोडक्ट बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अभी बचा हुआ है। जब मैं आप लोगों को अगली बार इसका अपडेट दूंगा एक महीने के बाद में दोस्तों, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कहां लॉन्चर लगा हुआ है
और बायोडक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तो लॉन्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इस लास्ट अपडेट में दोस्तों, लॉन्चर देखने के लिए मिलेंगे। जो अगली बार अपडेट आएंगे उसमें आप सभी को लॉन्चर देखने के लिए नहीं मिलेंगे दोस्तों इस रूट पर। तो ये बन के मतलब बायोडक्ट में बिल्कुल कनेक्ट कर लिया जाएगा दोस्तों। और जो भी आप लोगों को बता दूँ, देखो ये सारे जो इसके बायोडक्ट के क्या जो वो होते हैं स्पैन, वो देखो किस तरीके से उठाए जाते हैं। ये ट्रकों द्वारा आते हैं यार्ड में से दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन यार्ड है इसका एलएनटी का, तो वहीं से ये आते हैं दोस्तों बन बन के, फिर यहाँ पर ट्रकों द्वारा आते हैं, फिर यहाँ पर ये चिपकाए जाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये क्या ये पिलर कैप का काम किया गया है। इसमें एक पिलर अभी कंक्रीट भरा जाएगा, फिर उसके बाद में ये लाइन दोस्तों लेफ्ट में आ जाएगी। तो अभी इन पर पियर कैप का काम भी किया जाना, तो यही वाले पिलर बचे हुए देखो, एक पिलर ये है एक आगे है, फिर इस पर ये पियर कैप का काम किया जाएगा। पियर कैप के काम के बाद में देखो लॉन्चर ये लगाई हुआ है, ये इधर को बढ़ रहा है कहाँ, ये मोदीपुरम नॉर्थ के स्टेशन के लिए दोस्तों, यानी कि मेरठ का जो मोदीपुरम है उसके नॉर्थ का। देखो ट्रकों से ये आए हैं ना स्पैन, अब ये सारे लगाए जाएंगे, इन्हीं लॉन्चर यही लॉन्चर उठाएंगे दोस्तों, तभी ये काम क्लियर हो जाएगा। तो देखो आप लोगों के बीच में किस तरीके से मैं अपडेट लाता रहता हूँ और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर आप लोगों को अपडेट देता हूँ आपके सामने। जो मुझे बोलने में दोस्तों भूल चूक हो जाती है उसको आप इग्नोर करना दोस्तों, जितना मुझे आता है मैं आपको सभी को बता देता हूँ और दिखा देता हूँ दोस्तों। तो आप लोग नाराज़ मत होना, जो मुझे जितना आता है मैं उतना आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के पी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, पर डे लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। जब मैंने पिछली बार अपडेट किया था दोस्तों तब इसका कौन कौन से लेवल बनाया जा रहा था, अब आया हूँ तो देखो प्लेटफॉर्म लेवल पर सारा काम किया जा रहा है दोस्तों। अभी गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, बीम डाले जा रहे हैं प्लेटफॉर्म लेवल को बनाने के लिए। ये सबसे बड़ा लंबा चौड़ा स्टेशन रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये चार पांच लाइनें रहेंगी इसमें मेन। अब आप यहाँ पर देखो RITS की ट्रेन भी खड़ी होगी दोस्तों और मेरठ मेट्रो भी यहाँ पर खड़ी होगी। देख सकते हो किस तरीके से बायोडक्ट को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। और यही एक लाइन आगे से ये डिपो के लिए चली जाती है, तो अभी हम डिपो में ही चलेंगे और डिपो में आप लोगों को दिखाएंगे चल के कि क्या काम चल रहा है दोस्तों। देखो सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, इस पर आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में लॉन्च कर दिया जा चुका है। अब इन पर जितने भी इसमें आई गटर रखे जाएंगे उन पर सारे पर फ्लोर वर्क किया जाएगा और इन पिलरों पर दोस्तों अभी पियर कैप का काम किया जाएगा क्योंकि इनको ज्वाइंट किया जाएगा। तो एक लॉन्चर देखो ये लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग कितने सारे लॉन्चर हो गए हैं। आप लोगों ने गिनती करी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो यहाँ से देखो ये बायोडक्ट अब ये लेफ्ट में हो जाएगा, तो ये चला जाएगा डिपो के लिए। और डिपो में अभी कोई ज़्यादा खास काम नहीं चल रहा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने दीवार उठा दिया, बंद कर दिया है। और उधर भी अभी क्या पियर पाइलिंग का काम किया जा रहा है, क्यों खेतों से होकर जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये तो जो रोड निकल रही है वो वहीं से आगे से ये लेफ्ट में हो जाती है दोस्तों। जैसा कि मैं ये देखो ये इलेक्ट्रिसिटी का ये खम्भा चमक रहा है ना, इसके बस बगल में ही है देखो, वो पिलर चमकने लगे हैं। एक पिलर ये एक ये उधर से ही घूम जाती है, पहले से ही ये रोड पर तो घूम नहीं सकती थी, क्योंकि भाई उसको चाहिए जो स्पेस। तो इधर के तो आप लोगों को बता दूं जो डिब्बो के साइड के जो पिलर हैं दोस्तों वो बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुके हैं पियर कैप के साथ में, विद पियर कैप। आप बस इन पर लॉन्चर बस लगाया जाना है और लॉन्चर लग जाने के बाद में ये भी बायोडक्ट क्लियर हो जाएगा और आगे से देखो खेतों के अंदर से होकर जाएगा, तो वहाँ पर पियर पाइलिंग का भी काम चल रहा है दोस्तों। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से ये राइट में हो जाएगी, देखो ये लगा हुआ है क्या, देखो यहाँ पर ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं ना, और देखो वो पियर पाइलिंग चल रही है, देखो वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहीं से ये पियर पाइलिंग का काम चल रहा है। अगले अपडेट में आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा अभी। तो ये भी रास्ता डिपो के अंदर ही जा रहा है, वो तो मेट्रो ट्रेन के लिए है दोस्तों, RITS की ट्रेन के लिए है और मेरठ मेट्रो के लिए है, क्योंकि डिपो में ही सारी ट्रेनें खड़ी होंगी, मेरठ मेट्रो भी खड़ी होगी दोस्तों डिपो के अंदर ही, और RITS की ट्रेन भी दोस्तों खड़ी होगी कहाँ,
मेरठ डिपो के अंदर दोस्तों। तो अभी बहुत तेजी के साथ में वर्क चल रहा है, जब वर्क ख़त्म हो जाएगा तब देखना भाई साहब, 25 में देखना आप लोग, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर ये सब्जियाँ बोई गई हैं और वो सामने चमक रहा है डिपो दोस्तों, क्योंकि किसानों ने इस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत की थी लैंड एक्वायर करने में, तो इसी वजह से यहाँ पर ये काम डिले हुआ है। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। तो ये है मेरठ का जो डिपो बनाया जा रहा है, ये बंद कर दिया है, दीवार उठा दी है। जब पहला मैंने अपडेट दिया था आप सभी को तब ये दीवार नहीं थी, लेकिन अब आया हूँ तो दीवार उठा दिया। देखो सारी ज़मीन घेर ली है, क्योंकि ये किसान दिक्कत कर रहे थे तो इसी वजह से यहाँ पर लेट काम हो रहा है, उधर अंदर चल रहा है काम। तो यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा डिपो बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रैपिड रेल भी खड़ी होगी और मेरठ मेट्रो भी खड़ी हुआ करेगी, तो इसी वजह से काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग है। देख सकते हो आप लोग चारों तरफ से, देखो आप लोग, ठीक है। उधर तो पियर पाइलिंग का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे, तो यहीं तो है गेट, एंट्री बंद है इसकी, अब क्या ही कर सकते हैं, अंदर तो जा नहीं सकते हैं। तो चलो, तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से।